डिसिप्लिन और पनिशमेंट को अक्सर पेरेंट्स कंफ्यूज करते हैं। ये दोनों बच्चों की तरबियत में बड़ा ही डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। डिसिप्लिन एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जो बच्चों को सेल्फ कंट्रोल, जिम्मेदारी और एक्सेप्टेबल बिहेवियर सिखाता है। डिसिप्लिन बच्चों को वो सेफ एनवायरनमेंट देता है जहां वो अपनी गलतियों से सीख सकें। पनिशमेंट को समझने के लिए वॉच द होल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मॉमकास्ट। हाँ, तो पनिशमेंट अक्सर एक रिएक्टिव मेजर होता है जो बच्चे को गलती करने पर सजा देने पर फोकस करता है। ये बच्चे को खौफ में मुब्तिला करता है और लर्निंग जीरो। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक अफेक्टिव डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज जैसे पॉजिटिव कमेंट्स देना, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना और शॉर्ट टाइम आउट्स वगैरह बच्चे के बिहेवियर और इमोशनल वेलबींग को बेहतर कर सकती हैं। स्टडीज शो के वो बच्चे जिनके पेरेंट्स कंसिस्टेंट और फेयर डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते रहे हैं वो ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पथेटिक और बेहतर सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। इसके बरक्स वो वालदैन जो पनिश करते हैं, स्पेशली फिजिकल पनिशमेंट, उनके बच्चे ज़्यादा अग्रेसिव, एंटी सोशल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। एक आम गलती जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि जब उन्हें अपने बच्चे में कोई बिहेवियर करेक्ट करना हो तो वो पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर एक बच्चा गलती से पानी गिरा दे तो पेरेंट्स का इमीडिएट रिस्पांस यूजली यही होता है, चिल्लाना या बच्चे को डांट कर कमरे में भेज देना। यही अप्रोच एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट करता है जहां बच्चे ज़्यादा नाफरमान या विदड्रॉन हो जाते हैं, यानी आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं, जो इवेंचुअली सिवियर पनिशमेंट का सबब बनता है। पेरेंट्स अक्सर चीखना, मारना या ग्राउंडिंग जैसी टैक्टिक्स का सहारा लेते हैं बिना ये बताए कि पनिशमेंट का रीज़न क्या है, बच्चा अपने बिहेवियर कैसे बेहतर कर सकता है। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और गाइडेंस बच्चों को वो स्किल्स नहीं सिखाती जो उन्हें बेहतर चॉइसेस अडॉप्ट करने में मदद करें। एक और एग्जांपल ले लें, अगर एक बच्चा अपना होमवर्क करने से इनकार करे तो माँ बाप बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के टीवी देखना या मोबाइल लेना एक हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं। इसके बरक्स एक डिसिप्लिनरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि बच्चे के साथ बैठकर पूछें कि भाई क्या वजह है कि तुम होमवर्क नहीं करना चाहते। उसके लिए एक होमवर्क स्केड्यूल बनाया जाए और ये रूल सेट किया जाए कि टीवी टाइम सिर्फ होमवर्क कंप्लीट होने के बाद ही अलाउड होगा। ये अप्रोच टाइम मैनेजमेंट और जिम्मेदारी सिखाता है, ना कि ये कि मुझसे कुछ छीन लिया जाएगा। एक और गलती है रूल्स और कॉन्सिक्वेंसेस की इनकंसिस्टेंसी। पेरेंट्स कभी बहुत लीनियंट हो जाते हैं तो कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है और किसी भी डिसिप्लिनरी मेजर की इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन करता है। मिसाल के तौर पे आप एक दिन बच्चे के मिसबिहेवियर को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि प्रॉबेबली आप थके हुए हैं या आपकी हिम्मत नहीं हो रही डांटने की, चीखने पुकारने की, लेकिन दूसरे ही दिन आप उसी बिहेवियर पर हार्शली रिएक्ट करते हैं क्योंकि आप या तो कहीं गुस्सा उतारना चाहती हैं या प्रॉबेबली स्ट्रेस्ड आउट हैं। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने एक्शंस के नतायज को समझ सकें और प्रिडिक्ट कर सकें। इस तरह उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फेयरनेस का एहसास होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज पर फोकस करना होगा। इसमें क्लियर और कंसिस्टेंट रूल्स सेट करना, बिहेवियर पर रेगुलर फीडबैक देना और ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज यूज़ करना जो लॉजिकल भी हों और मिसबिहेवियर से रिलेटेड हों। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा अपने भाई या बहन के साथ टॉयज शेयर नहीं कर रहा तो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए खेलना बंद कर दें और शेयर करने की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करें और फिर उन्हें दोबारा कोशिश करने पर इनकरेज किया जाए। इसके अलावा पेरेंट्स को एम्पथी और अंडरस्टैंडिंग की इम्पॉर्टेंस पर जोर देना चाहिए ताकि बच्चे अपने एक्शंस का असर दूसरों पर पहचान सकें। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये डिस्कस करें कि क्यों कुछ बिहेवियर्स अनएक्सेप्टेबल हैं और क्या चीज़ें डिफरेंटली की जा सकती हैं। ये तमाम बातें बच्चों को इन लेसन्स को इंटरनलाइज करने में मदद करती हैं, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े। हम अक्सर छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। देखें, पनिशमेंट इमीडिएट कंप्लायंस तो दे सकती है, लेकिन डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बिहेवियर की फाउंडेशन बिल्ड करता है। ये पेशेंस, टाइम और कंसिस्टेंसी मांगता है। एंड इट्स हाई टाइम दैट पेरेंट्स फोकस ऑन द चाइल्ड्स लर्निंग रादर देन एक्सरसाइजिंग देयर ओन अथॉरिटी to prove their power. So punishment is definitely a big no. Discipline is like helping a child solve a problem. Punishment is making a child suffer for having a problem. Take care. Allah Hafiz.